Hello friends, welcome to PsArt. I am Reena Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get daily videos. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्ट्रेटनिंग अ क्रूक्ड इमेज. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने ये इमेज ले रखी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन पोर्शन है इसकी हाइट यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है हाइट. तो ये इसलिए यहाँ नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जा रही है. तो अब मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट करना है, इसके लिए क्रॉप टूल सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे स्ट्रेटन शो हो रहा है आपको, इस पर क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो गया. अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रैग करूंगी, जहाँ ग्रीन पोर्शन है उसमें लाइन ड्रैग करूंगी. आपको एक बार में सही करना है, ये बाद में एडिट नहीं होता. ये जैसे मैंने एक बार में लाइन कर ली, ये स्ट्रेट हो गया. अब इसमें एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिक करूंगी और ये सीधे क्रॉप कर देगा. एक बार मैं कंट्रोल जेड कर दूंगी इसे पहले जैसा करने के लिए. ये हो गई पहले जैसी इमेज. अगर आप ये आई ड्रॉपर टूल है वहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक और रूलर टूल सेलेक्ट करूंगी. अगर आप रूलर टूल लेते हैं तो इससे जो लाइन में ड्रैग करूंगी वो एडिट हो सकती है. तो आप देख सकते हैं मैंने लाइन कर ली रफली एक बार और अब इसे ऊपर नीचे कर सकती हूँ. ये आप देख सकते हैं और अब स्ट्रेटन लेयर पे क्लिक कर दूंगी. यहाँ पे मिसिंग लग रहा है तो आप इसे फिल कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और पॉलीगॉन लेसर टूल सेलेक्ट करूंगी. अब यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ. ऑल्ट की को होल्ड करते हुए स्क्रॉल अप करूंगी. अब यहाँ पे क्लिक करूंगी, फिर यहाँ पे करूंगी और फिर यहाँ पे. आपको ज़्यादा ऐसे दूर नहीं रखना है, पास का ही रखना है ताकि जो कंटेंट आपको फील करना है आसपास का ही फील हो. ये इस पर जो पहला पॉइंट किया था वहाँ पे क्लिक करना है वापस. तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन बन गया. अब एडिट मेन्यू में जाऊंगी और फील पे क्लिक करूंगी. यहाँ पे आपको कंटेंट अवेयर ही रखना है और बाकी ओपेसिटी 100% ही रखनी है, मोड नॉर्मली रखना है. अब ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं ये फेल हो गया. अब मैं इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डी प्रेस करूंगी. यहाँ पे भी मिसिंग है तो यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस करूंगी. सेलेक्शन बनाऊंगी पहले, सॉरी उस पॉइंट पे नहीं हुआ इसलिए ये सेलेक्शन नहीं बना. अब बन गया. इसमें भी सेम ही रखना है तो आप देख सकते हैं ये भी फिल हो गया. यहाँ पे भी फिल करना है. और फिर से इसमें भी वैसे ही करना है सेम. तो आप देख सकते हैं इसमें भी फेल हो गया. अब डीसेलेक्ट करने लगे कंट्रोल डी. इधर भी मिसिंग है, इधर भी सेम करना है आपको. तो यहाँ पे भी फेल हो गया. अब कंट्रोल डी कर दूंगी तो आप देख सकते हैं ये, लेकिन हर चीज फील नहीं करता एकदम करेक्टली. तो एक बार मैं इसको जूम आउट कर लूंगी, ऑल्ट की को होल्ड करते हुए स्क्रॉल डाउन करूंगी. एक बार मैं कंट्रोल ऐड कर देती हूँ बताने के लिए. तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वापस ये शो हो रहा है. मैं इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करूंगी. मान लो कि यहाँ पे सही फील नहीं हुआ है, फील करने के बाद भी मतलब सही नहीं लग रही इमेज, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में ये डिस्टॉर्ट सेलेक्ट करेंगे. अब यहाँ कॉर्नर से मैं स्ट्रेच कर लूंगी इसे थोड़ा सा ताकि ये ट्रांसपेरेंसी ना दिखे. तो आप देख सकते हैं ये इसकी फिनिशिंग भी आ गई और अच्छी भी लग रही है इमेज. अब यहाँ पे क्लिक कर दूंगी. अब मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करूंगी यहाँ से और यहाँ पे ड्रैग करूंगी. तो आप देख सकते हैं ये
पीछे की जो इमेज है वो हाइड करने के लिए आप अगर एज प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं पीछे की इमेज अभी शो नहीं हो रही है। अब मैं जैसे ही वापस एज की प्रेस करूंगी तो ये वापस शो होने लग जाएगी। अब जैसे ये मैं चाहती हूँ कि क्रॉप बाउंड्रीज शो ना हो तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए एज प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये हट गया। अब लेकिन एडिटिंग फिर भी आप कर सकते हो ये। अब मैं कंट्रोल की को होल्ड करते हुए एज प्रेस करूंगी वापस तो ये वापस बाउंड्रीज शो होंगी। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी और कंट्रोल जेड कर दूंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।